हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिकल रीजनिंग का सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट जो है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ये है अपना फोर्टींथ लेक्चर इन द फाउंडेशन बैच नाउ द प्रॉब्लम विथ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज के हमें उसका बेसिक्स नहीं पता होता है सो दिस वुड बी एजेंडा ऑफ टूडे सेशन के हम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर्ज इन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक है स्टैंडर्ड रूल्स वाले क्वेश्चन गेम्स टूर्नामेंट्स या दूसरे हैं जहां पे अलग ही रूल्स चलते हैं जो एक्सप्लेन किया जाता है हमें टेक्स्ट के फॉर्म में ठीक है तो आज हम देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यू नो क्वेश्चन या गेम्स या टूर्नामेंट्स है उस पर हमें क्या क्या ध्यान में रखना है सो टूडेज एजेंडा वुड बी टू टॉक अबाउट वट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज ऑल अबाउट वी विल ऑल्सो लुक एट फॉर्मैट्स ऑफ स्टैंडर्ड गेम्स ये नॉकआउट गेम क्या होता है ग्रुप गेम क्या होता है या राउंड रॉबिन क्या होता है डबल राउंड रॉबिन क्या होता है वी विल टॉक अबाउट के अगर कॉम्बिनेशन है दोनों का ग्रुप का और नॉकआउट का तो कैसे होता है राइट एंड वी विल टेक वन एग्जाम्पल सेट टू एंश्योर के हमें समझ में आ गया कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स प्योर एल नहीं होता है क्योंकि देयर वुड बी डेटा इनवॉल्व देर राइट It could be in the form of uh, number of games, ya points, ya, uh, some other scaling factor, jaise net run rate or goal difference ho gaya, something like that. Uh, usually, it is based on you know wins, losses, draws, many games how games games draw right? Uh, it could be based on the points awarded uh, to each team based on the number of wins, number of losses, number of draws, and there could also be a differentiator. स देर कुड ऑल्सो डिफ्रेंशियटर जैसे मैंने बोला था नेट रन रेट हो गया इन द केस ऑफ यू नो क्रिकेट इकोनॉमी हो गया फॉर गया इन फुटबॉल right? आज का हमारा एजेंडा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गेम्स नॉट जहां पे रूल्स अपने आप बनाए जाते हैं राइट right? चलो so first let's talk about the formats of games right so we are going to discuss three standard formats one is going to be group ठीक है ग्रुप स्टेज जैसे हर टूर्नामेंट uh, uh, में ग्रुप स्टेज होते हैं राइट बट ग्रुप मैचेस में सिर्फ ग्रुप वाले रूल्स लगाए जाते हैं या uh, उसको हम लीग मैचेस भी बुलाते हैं या राउंड रॉबिन भी बुलाते हैं ठीक है नंबर टू इज नॉकआउट नॉकआउट में क्या है ईच टीम प्रोबेबली गेट्स टू प्ले ओनली वन मैच यस इनिशियली अगर वो जीते तो आगे बढ़ते टूर्नामेंट में अगर वो हार गए सो तो दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट राइट

टीम्स आर गोइंग टू कंपीट अगेंस्ट ईच अदर या इसमें अगर राउंड रॉबिन है इफ द डील इज राउंड रॉबिन अगर राउंड रॉबिन है तो इसका मतलब है कि वन गेम वन गेम या वन मैच विथ ईचर ठीक है सिर्फ एक ही गेम होगा मतलब क्या है कि अगर टीम वन टीम टू के साथ खेलती है अगर एक गेम है वन वर्सेस टू बस हो गया खत्म ठीक है अगर डबल राउंड रॉबिन है यही अगर डबल राउंड रॉबिन है डबल राउंड रॉबिन यहां पे क्या होगा देर विल बी टू गेम्स टू गेम्स विथ द सेम राइवल्स जैसे वन वर्सेस टू का एक गेम होगा फिर टू वर्सेस वन का एक गेम होगा राइट right? मोस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स में क्या होता है फुटबॉल लीग मैचेस में क्या होता है होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट होता है के पहले केस में वन का होम ग्राउंड में खेलते हैं और टू का अवे ग्राउंड में एंड इन द सेकेंड केस वन के लिए वो अवे ग्राउंड होगा टू के लिए वो होम ग्राउंड होगा आई होप योर अंडरस्टैंडिंग राइट सो दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन इसमें अगर सिर्फ एक ही मैच हुआ तो राउंड रॉबिन अगर दो मैच होते हैं तो डबल राउंड रॉबिन ठीक है और यहां पे टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैचेस यस लेट्स टॉक अबाउट हमें आइडिया मिल गया कि ये राउंड रॉबिन है नॉट डबल राउंड रॉबिन वी विल बी लुकिंग एट राउंड रॉबिन तो यहां पे क्या हो जाता है देर आर फोर टीम्स मतलब क्या होगा वन टीम वन इज गोइंग टू प्ले विथ टीम टू टीम वन इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले विथ टीम थ्री टीम वन विल्सो प्ले विथ टीम फोर करेक्ट नाउ अगर हम टीम टू पे फोकस करें तो टीम टू दोबारा से टीम वन के साथ नहीं खेलेगा क्योंकि ये राउंड रॉबिन है डबल राउंड रॉबिन नहीं सो so, वन के साथ दोबारा नहीं खेलेगा मतलब क्या टू और थ्री के बीच में एक मैच टू और फोर के बीच में एक मैच सिमिलरली थ्री ने ऑलरेडी वन और टू के साथ खेल लिया देखो थ्री ने ऑलरेडी वन के साथ भी खेल लिया और टू के साथ भी खेल लिया सो so, थ्री का सिर्फ एक ही मैच बाकी है फोर के साथ थ्री वर्सेस फोर नाउ अगेन इफ यू लुक एट फोर डील टीम फोर ठीक है टीम फोर के केस में क्या हो रहा है? मतलब team four के जो तीन मैचेस होने थे वो हो गए आई होप आर अंडरस्टैंडिंग दिस ठीक है ऐसे होता है राउंड रॉबिन में डबल राउंड रॉबिन में डबल द नंबर ऑफ मैचेस दैट्स सो इफ यू वॉन्ट अ जनरल फॉर्मूला अगर कोई एक जनरल फॉर्मूला चाहिए टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैचेस तो क्या करोगे यहां पे यहां पे क्या हो रहा है अगर आप लॉजिकली सोचते हो इफ यू थिंक ऑफ इट लॉजिकली हर टीम टीम वन, विल प्ले विन टू थ्री यस टेक्निकली टीम टू शुड ऑल्सो बी प्लेइंग थ्री मैचेस है ना तीन तीन मैच सब खेलेंगे ये भी तीन मैच खेलेगा ये भी तीन मैच ये भी तीन मैच ये भी तीन मैच करेक्ट सो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इज 12 मैचेस, है ना टीम वन खुद को छोड़ के बाकी तीन टीमों के साथ एक एक गेम गेम खेलेगा, खेलेगा, टीम खुद को छोड़ के, बाकी टीमों के साथ एक एक, एक गेम खेलेगा. So, ऐसे करके है, है, क्योंकि में हमने भी भी किए ना किया है, तो डिवाइड बाई टू हो जाएगा गिविंग अस सिक्स गेम्स दिस इज वॉट इज लिस्टेड देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गेम्स एंड इफ यू वॉन्ट अ फॉर्म्यूला सो ये हो गया लॉजिक से अगर आपको फॉर्म्यूला चाहिए तो फॉर्मूला वुड बी डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन आई होप यू रिमेंबर दैट कॉम्बिनेशन याद है सो राउंड रॉबिन में राउंड रॉबिन अगर है इफ इट इज राउंड रॉबिन देन द फॉर्म्यूलाट एन सी टू यस एन सी टू इसका क्या मतलब है एन टीम्स है उसमें से हम दो टीम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में गेम करा रहे हैं

डबल राउंड रॉबिन में यू वुड हैव मैचेस मैचेस खत्म ओके सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मैचेस अगर राउंड रॉबिन है एंड डबल राउंड रॉबिन है ये लगा के यहां पे देख लो चेक कर लो सो देर आर फोर टीम्स फोर टीम्स मतलब फोर सी टू मैचेस होंगे राउंड रॉबिन में या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो विच इज वॉट इन टू थ्री बाई टू विच इज ट्वेल्व बाई टू सिक्स अगर डबल राउंड रॉबिन है तो फोर इन टू थ्री ट्वेल्व मैचेस आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस ठीक है तो ये आई वुड वु आप ये फॉर्मूला याद मत रखो इंस्टेट गो विद द लॉजिक क्योंकि कैट में जैसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड गेम्स में डायरेक्ट यू नो विदाउट एनी ट्विस्ट बिना कोई ट्विस्ट के बिना कोई मस्करी के ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है राइट सो वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इज लॉजिक से जाओ

लाइक हमने लिखा था राइट सो पहला मैच लेट्स इज बिटवीन टीम वन एंड टीम टू दूसरा मैच टीम थ्री टीम फोर थर्ड मैच टीम टू टीम थ्री टीम फोर टीम वन टीम वन टीम थ्री टीम टू टीम फोर राइट सिक्स मैचेस हो गए टोटल एवरी टीम प्लेइंग हाउ मेनी मैचेस थ्री मैचेस यस चेक कर लो फटाफट टीम वन हैज प्लेड वन टू एंड थ्री मैच टीम टू हैज प्लेड वन टू एंड थ्री मैच

या सेमीफाइनल्स मैच ऐसा कुछ भी नहीं होता है एवरी टीम गेट्स टू प्ले विथ एवरी टीम द स्ट्रगल इज द फाइट इज के कौन टेबल पे पॉइंट्स टेबल पे ऊपर रहता है या yeah? सो so यहाँ पे क्या होता है पॉइंट्स टेबल होता है जहां पे फॉर एवरी विन एवरी मैच दैट यू विन यू आर अवॉर्डेड अ पॉइंट हर मैच जो आप जीते हो उसके लिए आपको पॉइंट मिलता है हर मैच ड्रॉ के लिए आपको शायद कोई पॉइंट मिलता है हर मैच लॉस के लिए या तो कोई पॉइंट मिलता है या जीरो मिलता है या नेगेटिव होता है डिपेंडिंग अपॉन द रूल ऑफ द गेम ठीक है सो so, फुटबॉल में राइट right नाउ क्या हो रहा है फॉर एवरी विन विन हर win के लिए आपको मिलते हैं थ्री पॉइंट्स फॉर एवरी विन यू गेट थ्री पॉइंट्स फॉर एवरी ड्रॉ यू गेट वन एंड फॉर एवरी लॉस यू गेट जीरो प्रीवियसली पहले टू वन और जीरो हुआ करता था टू वन और जीरो बट टू वन और जीरो में काफी कंफ्यूजन होने लग गया क्योंकि यहाँ पे फिर मल्टीपल्स की बात आ जाती है राइट मल्टीपल ऑफ टू मल्टीपल ऑफ थ्री कॉमन हो सकता है अगर किसी को सिक्स पॉइंट्स मिले हैं तो देर कुड बी मल्टीपल रीजन बिहाइंड इट है सो वॉट डनव चेंज द रूल्स टू थ्री वन एंड जीरो सो अवॉय टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन यस तो इसके बेसिस पे हर मैच का आपको पॉइंट मिलता है और पॉइंट के हिसाब से हुए टॉप ऑफ द लीग बेस्ड ऑन द पॉइंट्स तो अगर जो भी मैक्सिमम है अगर इसका मैक्सिमम है तो दिस टीम विल बी ऑन द टॉप इसका अगर सेकंड है तो दिस विल बी ऑन द थर्ड एंड फोर्थ डिपेंडिंग अपॉन दिस ठीक है दिसकेंडली क्या होता है अगर किसी दो टीम्स uh, का पॉइंट सेम होता है टीम वन टीम थ्री का अगर पॉइंट सेम है तो फिर कोई और फैक्टर प्ले करता है जैसे अगर फुटबॉल है तो गोल डिफरेंस के साथ देखते हैं ना सबसे पहले जब फुटबॉल मैच uh, 90 90 मिनट्स का होता है तो अगर टाई होता है टाई uh, होता, होता है या ड्रॉ होता है

लुक इन टू के अपने ठीक इस, इस है सो टीम टीम टू टीम थ्री टीम फोर ये सारे हमारा पॉइंट टेबल टेबल यहां पे है विन के लिए थ्री ड्रॉ के लिए वन लॉस के लिए जीरो हर गेम में डिफरेंट हो सकता है मैंने यह जनरल लिया है सो यू विल है क्वेश्चन केयरफुली टू अंडरस्टैंड दट ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू टीम वन और टीम टू के बीच का जो मैच था वो टीम वन जीत गया यस नेक्स्ट टीम थ्री टीम फोर के बीच का मैच था टीम फोर जीत गया टीम थ्री का लॉस हो गया या सिमिलर फॉर मैच थ्री आल्सो, टीम थ्री जीत गया टीम टू हार गया एंड दिस वी आर डूइंग फॉर एंटायर थिंग मैच फोर में टीम फोर विन्स टीम वन लूज मैच फाइव में टीम वन एंड टीम थ्री का ड्रॉ होता है ये ध्यान में रखो अगर एक टीम का ड्रॉ है तो दूसरा का भी ड्रॉ ही होगा ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर द नंबर ऑफ ड्रॉज जो नंबर ऑफ ड्रॉज होते हैं दैट हैज टू बी इन पेयर्स यस ऐसे नहीं हो सकता ऐसे नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ ड्रॉज इसका वन है फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ ड्रॉज फॉर टीम वन इज वन बट बाकियों का जीरो है ऐसे नहीं हो सकता आई होप अंडरस्टैंडिंग इट इज ऑलवेज इन मतलब अगर टीम वन का ड्रॉ हुआ तो टीम वन के साथ साथ किसी और का भी ही होगा इक्वल कंक्लूजन आउट ऑफ इट है ना तो यहां पर ड्रॉ हो रहा है मतलब दोनों का वन वन ड्रॉ होगा ही होगा आई होप योर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट दट एम ट्राइंग टू मेक ठीक है ओके मूविंग ऑन लास्ट मैच जो सिक्स मैच था उसमें था टीम टू हार गया टीम फोर गॉट वन विन या सो नाउ वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन द पॉइंट टेबल अपन पॉइंट टेबल बनाएंगे क्या हो रहा है फर्स्ट लेट्स लुक है टीम फोर टीम फोर कितने मैचेस जीती है वन टू थ्री मैच टीम फोर हैजन जीती है एनी ड्रॉज फॉर टीम फोर नो एनी लॉसेज फॉर टीम फोर नॉट पॉसिबल है ना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टीम फोर खेल ही तीन गेम रहा है तो अगर तीन में से तीनों गेम जीत गया तो कोई लॉस होगा नहीं होगा भी गेम हारा नहीं है सो नाउ वॉट विल बी दू टीम फोर थ्री इंटू थ्री विच इज नाइन जीरो इंटू वन विच इज जीरो जीरो इंटू जीरो विच इजीरोप यूर गेटिंग दिस ठीक है सेम लेट्स डू दिस फॉर टीम वन एज वेल सो टीम वन का क्या है वन सो वन विन एंड वन ड्रॉ देखो एक विन एक ड्रॉ और एक लॉस है है ना सो वन 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 थ्री मैचेस हो गए वन विन वन ड्रॉ एंड वन लॉस सो अभी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होगा दिस इंटू थ्री दिस इंटू वन दिस इंटू जीरो सो थ्री प्लस इज फोर पॉइंट्स यस

दोनों का सेम पॉइंट्स होने के बावजूद अगर एक टीम दूसरे टीम से ऊपर है पॉइंट्स टेबल में देन देर टू बी अनदर रीजन बिहाइंड इट वो रीजन क्या होगा टाई ब्रेकर होगा जैसे गोल डिफरेंस हो गया या नंबर ऑफ रेड कार्ड हो गया देर आर लॉर्ड ऑफ रूल्स दैट यू नो ईच स्पोर्टिंग एसोसिएशन अप्लाइस उस रूल के हिसाब से वो चेंज होते रहता है ठीक है एंड देन वी हैव टीम टू सो नाउ अगर हम ये नहीं भी देखें इफ यू डोंट इवन लुक एट दिस वी कैन स्टिल फिगर आउट क्या चल रहा है येस फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फिगर आउट करते हैं नंबर ऑफ ड्रॉज में क्या हो रहा है तो एक और किसी का ड्रॉ होता है इसका वन होता है ना बट दैट इज नॉट देयर सो इट इज क्लियर के द नंबर ऑफ ड्रॉज फॉर टीम टू हैजू बी जीरो ऑल्सो लुक एट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या है टीम फोर हैज वन टीम फोर का कितना विनिंग है थ्री विनिंग है मतलब टीम फोर किसी से नहीं जीता मतलब हमें पता है कि टीम टू एक बार तो हारा ही हारा है फ्रॉम टीम वन सॉरी फ्रॉम टीम फोर अब टीम वन का देखो और टीम थ्री का देखो क्या हो रहा है टीम वन हैज लॉस्ट वन मैच एक मैच ही हारा है किससे हारा है टीम फोर से हारा है सो so वो जीरो आउट हो गया टीम थ्री भी एक ही मैच हारा है किससे हारा है टीम फोर uh, से हारा है तो so उसका क्या मतलब है टीम वन और टीम थ्री के एक एक लॉसेस हैं और दोनों लॉसेस किसके साथ टीम फोर के साथ ही है बेसिकली के टीम कोई भी मैच नहीं जीता है आई होप यू आर यूर लॉजिकली आप कैसे डिड्यूस कर सकते थ्री मैचेस ठीक है सो द टोटल पॉइंट क्योंकि थ्री इंटू जीरो दिस इज द

अब जो सेकेंड प्लेस है या रनर अप है वो कैसे डिसाइड होगा क्योंकि दो टीम्स का फोर एंड फोर इक्वल पॉइंट्स है तो लाइक आई सेड कोई और रीजन रख के जैसे गोल डिफरेंस है तो अगर गोल डिफरेंस गोल डिफरेंस का मतलब क्या है गोल डिफरेंस ये नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन में टेस्टेड है तो वो दे देते क्वेश्चन में ही बट मैं यहां पे समझा देता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म है आपको आपको जर, ये दिस इज़ नॉट नेसेसरी ये जरूरी नहीं है कि आप फुटबॉल देखें क्रिकेट देखें कोई स्पोर्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैट ये समझता है कि हर कोई हर कोई स्पोर्ट नहीं देख सकता सो व्हाट दे डू इज देल गिव यू दैट एक्सप्लेनेशन ठीक है अगर कोई फैक्टर इन आ रहा है इवन एज सिंपल एज रन रेट इवन एज सिंपल एज पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी है सारा इंफॉर्मेशन वो दे देगा सो डोंट हैव टू वरी अबाउट सर अब क्या मेरे को फुटबॉल भी देखना पड़ेगा नॉट नेसेसरी ठीक है बट अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है चलो गोल डिफरेंस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ गोल्स नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड माइनस नंबर ऑफ गोल्स कंसीडेड कंसीडेड का मतलब क्या है कंसीडर्ड मींस कितने गोल्स सामने वाले को दे दिया अपन ने राइट right? कितने गोल्स सामने वाले को दे दिया दैट्स कॉल कंसीडर्ड सो नंबर ऑफ गोल्स नंबर ऑफ गोल्स कंसीडेड इसका पॉजिटिव वैल्यू राइट बट बिकॉज यहाँ पे अब जैसे किसी ने ज्यादा गोल्स कंसीड कर दिए मॉडल सो देर कुड बी सिचुएशन वेर द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गोल्स कोड एंड नंबर ऑफ गोल्सिडर्ड कुल्सो टर्न आउट टू बी नेगेटिव ठीक है बिकॉज so एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए फॉर कंपेरिजन दैट इज वाई सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर टेबल पे दिख रहा है कि टीम वन इज अब टीम थ्री तो इसका मतलब यही होगा कि इसका गोल्ड डिफरेंस जो है टीम वन का गोल्ड डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन टीम थ्री आर यू गेटिंग दिस गोल्ड टीम वन का जो गोल्ड डिफरेंस है शुड बी ग्रेटर टीम वन का गोल्ड डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन टीम थ्री का गोल्ड डिफरेंस आई होप यू आर गेटिंग दिस या सो लेट्स अस्यूम के इसका गोल्ड डिफरेंस वॉज सम फोर और इसका सम टू ठीक है जस्ट जस्ट एस एन एग्जाम्पल फोर एंड टू है इसका मतलब इसका गोल डिफरेंस हायर है इसलिए टेबल में हायर है एंड इज देर रैंकिंग दिस इज देयर रैंकिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हुयर इज़ गिवेन द ट्रॉफी द फर्स्ट टीम ठीक है यस, सो जो ट्रॉफी है द ट्रॉफी विल गो ऑफ टू टीम फोर टीम टू विल बी द रनर अपीम थ्री एंड टीम टू आर बेसिकली सो टीम फोर टीम वन टीम फोर चैंपियन टीम वन रनर अप टीम थ्री टीम टू आर मूव आउट ऑफ द टूर्नामेंट या टूर्नामेंट ही खत्म हो गया तो टेबल के लास्ट में दैट्स इट देयर 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 ऑर्डर स्टैंडिंग इन द टेबल इज ऑल दैट मैटर्स ठीक है सो ये हो गया ग्रुप स्टेज या लीग मैचेस या राउंड रॉबिन जो भी ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच इज कॉल्ड नॉकआउट नॉकआउट में क्या होता है नॉकआउट में नॉट इक्वल चांसेस आर गिवन टू एवरी वन राइट स्टार्टिंग में यस वेन दे स्टार्ट द टूर्नामेंट यस बट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ऐसे नहीं होता या सो हियर वॉट हैपन्स इज द नंबर ऑफ मैचेस दैट ईच टीम प्लेस कुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर विनिंग दे आर लूजिंग समथिंग ओके सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आने यू कैन एंटीसिपेट दीज क्वेश्चन होना चाहिए मैक्सिमम कितने गेम्स जीतना चाहिए इन ऑर्डर टू यू नो विन टूर्नामेंट ऐसा right? so, में क्या है यू प्ले अ गेम यू लूज योर आउट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर यू टू कंटिन्यू इन द टूर्नामेंट टूर्नामेंट में कंटिन्यू करने के लिए एंड तक जाने के लिए आपको हर गेम जीतना जरूरी है ठीक है एवरी गेम हैज टू बी वन So, यहां पे क्या हो रहा है ग्रुप ए ग्रुप बी दो ग्रुप है यहां पर हर ग्रुप में चार चार टीम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यस सो टेक्निकली एट टीम्स ऐसा स्प्लिट पहले नहीं होता है कि एट टीम्स है इन द टूर्नामेंट क्योंकि हम अब उस गेम्स में स्प्लिट करना चाहते हैं सो देन दे आर स्प्लिट इन टू सो यहां पे क्या हो रहा है ग्रुप ए में अगर आप देखेंगे इफ यू लुक एट ग्रुप ए मैंने टीम वन और टीम टू का एक मैच लगा दिया ग्रुप ए में ही टीम थ्री और टीम फोर का एक मैच है ये रैंडमली सेलेक्ट होता है दिस इज रैंडमली सिलेक्टेड लाइक यू नो कोई चिट uh, हो गया राइट दे दे पुल आउट चिट लॉटरी जैसा है दिस इज बेसिकली लाइक लॉटरी ठीक है ये रैंडमली सेलेक्ट होता है कि कौन किसके साथ खेलेगा एंड देन थिंग कंटिन्यूस राइट बेस्ड ऑन द विनर सेम थिंग टीम फाइव और टीम सिक्स का मैच है टीम सेवन और टीम एट का मैच है नाउ अगर अगर द नंबर ऑफ टीम लेफ्ट अगर द नंबर ऑफ टीम लेफ्ट इज एट तो उसे हम क्या बोलते हैं है ना नंबर टीम बच जाती है तब होता है सेमीफाइनल्स राइट अगेन सेमीफाइनल्स में क्या है uh, जीते तो आगे नहीं तो हारे दैट्स डू और डाई सिचुएशन यस एंड देन

यस सेम थिंग यहां पे भी होगा इस ग्रुप में भी होगा लेट्स से इन दोनों में से फाइव जीत गया और इन दोनों में से एट जीत गया तो क्या हो जाएगा सिक्स घर जा सकता है घर जा सकता है एंड ऑफ द टूर्नामेंट दैट्स इट यस मूविंग ऑन अब क्या होगा अब इन दोनों में मैच होगा टू और थ्री में एक मैच होगा विच विल बी द सेमी फाइनल्स फाइव और एट में एक मैच होगा विच विल बी द सेकेंड सेमीफाइनल्स राइट सो टू और थ्री में लेट्स से टू जीत गया मतलब क्या अब थ्री को और कोई चांस नहीं मिलेगा थ्री विल हैव टू लीव द टूर्नामेंट सेम वे यहां पे फाइव और एट में अगर एट जीत गया तो फाइव को नो चांसेस अंटिल कोई डिफरेंट रूल अप्लाई किया गया बट स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से दे कैन लीव द टूर्नामेंट एंड गो ठीक है नाउ बिटवीन टू एंड एट जो दो टीम्स बच गए टीम टू तो और टीम एट उनमें क्या होगा फाइनल्स होगा राइट right? दंगल फाइनल्स होगा जिसमें अब टू और एट भिड़ेंगे एंड देन दैट पर्टिकुलर मैच विल बी डिक्लेयर एज द विनर एंड उसको मिलेगी ट्रॉफी या टाइटल या जो भी है वॉट एवर राइट सो दिस इज नॉकआउट नॉकआउट में क्या है नो सेकेंड चांसेस जीते तो आगे कोई भी रीजन से हारे तो आउट राइट दिस इज बेसिकली नॉकआउट सो नॉकआउट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर आप देखें इफ यू लुक एट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस तो क्या चल रहा है फर्स्ट इन द्वार्टर फाइनल फर्स्ट इन द्वार्टर फाइनल लिख लेते हैं थर्ड मैच फोर्थ मैच चार मैचेस होते हैं क्वार्टर फाइनल में फिर सेमीफाइनल पे जब आ जाता है तब वी है सेमीफाइनल्स में और फिर फाइनल्स में एक मैच होता है राइट सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस हियर यू हैव टू सॉरी फोर प्लस प्लस आई होप यू आर गेटिंग दिस यस ये अभी अगर एक ग्रुप में लेट से चार टीम नहीं आठ टीम होती इफ देर टीम्स तो फिर उनके बीच में जो मैचेस होता है वो क्वार्टर फाइनल नहीं उसके पहले क्वालिफायर होता है राइट क्वार्टर फाइनल उसके पहले क्वालिफायर

हर टीम को हर नेशन को फेयर एडवांटेज मिलना चाहिए इसीलिए ग्रुप मैचेस होते हैं नॉकआउट मैचेस आर ब्रूटल नॉकआउट मैचेस आर ब्रूटल एंड वेरी यू नो कंट्रोवर्शियल एज वेल राइट क्योंकि हर किसी को हर किसी के साथ खेलने को मौका नहीं मिला सो दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन लक एंड मे नॉट बी बेस्ड ऑन स्किल जब जैसे टॉप यू नो टॉप टीम्स राइट जब उनका लक अच्छा होता है एंड दे गेट अ चांस टू प्ले विद अ यू नो लोअर टीयर टीम देन दे एंड अप विनिंग Right, unlike Manchester United, but anyway, <laughs> acha right now Manchester United is also on the top, so good. Okay, anyway चलो uh, group and knockout matches mein kya hai both will happen. Yes, अब पूरा uh, they cannot do full group matches क्यों? kyunki for example yahan pe 16 teams हैं imagine 16 teams को 16 teams को रखके हम knock out नहीं कर रहे हैं सिर्फ group कर रहे हैं तो कितने games खेलेंगे वो they will end up playing अगर round robin हुआ तो 16 सी टू गेम्स खेलेंगे करेक्ट वॉट इज 16 C टू फिफ्टीन बाई टू विच इज एट इंटू फिफ्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मैच ये एक सो बीस मैच एक बीस वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मैचेस आर टू मच टू एक्सेप्ट एट दैट स्टेज तो फिर ये क्या करते हैं वॉट दे डू इज स्प्लिटेट है ना क्योंकि पूरा एंड ऑल्सो वर्ल्ड कप में देर like like yes? so है दो स्प्लिट हो जाता है पहले ग्रुप स्टेजेस होता है एंड देन देर इज नॉक आउट स्टेजेसो पहले ग्रुप स्टेज का देख लेते हैं यहाँ पे सो दिस वुड है तो हंड्रेड एंड ट्वेंटी मैचेस होता राइट ओनली राउंड रॉबिन यस नाउ ऑल्सो लुक एट लेट्स लुक एट शन uh, दोनों का सो so पहले सिक्सटीन टीम्स को चार चार के ग्रुप में स्प्लिट कर दिया ग्रुप ए बी सी एंड डी राइट नाउ लेट्स इन ईच ग्रुप ग्रुप ए में कितने चार टीम है हर टीम दूसरे टीम के साथ एक बार खेलती है सो फोर सी टू इज गोइंग टू बी वॉट फोर इन टू थ्री बाई टू विच इज सिक्स ये सेम वे यहाँ पे भी सिक्स मैचेस यहाँ पे भी सिक्स मैच यहाँ पे भी सिक्स मैचेस Yes. So यहाँ पे 24 मैचेस में खत्म हो गया ग्रुप स्टेज आफ्टर द 24 मैचेस देन वी है टूर्नामेंट में डबल राउंड रॉबिन भी होता है राइट लाइक आई सेम मैच अवे मैचेस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बट क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप एज अ टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का वेन्यू uh, एक होता है मतलब द सिटी दैट प्लेइंग इन कुड बी वन so that varies but any which ways that depends upon the game the kind of game explained to us theek hai so 6 6 6 is matches same logic abhi agar ek group player hai ek group player hai to group ke top two players t uh, group, uh, jo, uh, 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 group jo uh uh group जो points table है उसके top 2 players को निकाला जाता है for the knockout the other two teams get to leave या yeah, जो lower के teams होते हैं जो table में नीचे हैं देव द टूर्नामेंट दैट्स इट यस जैसे इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल के साथ हुआ था समथिंग लाइक दैट ठीक है सो नाउ ऑफ द टॉप सिक्सटीन टीम्स ऑफ द टॉप सिक्सटीन टीम्स ग्रुप ए से सिर्फ दो टीम्स आगे जा रही है ग्रुप बी से भी सिर्फ दो टीम्स दो टीम्स एंड दो टीम्स सो नाउ वट डू वी हैव टू फोर सिक्स आर लेफ्ट विच एंड इट द क्वार्टर फाइनल्स है ना सो so अब जब टीम्स बच जाती है तो क्वार्टर फाइनल्स होता है जैसे टीम टीम थे टॉप में ग्रुप ए में सिमिलरली ग्रुप बी में सिक्स एंड एट ग्रुप सी में टेन एंड एलेवन ग्रुप डी में फिफ्टीन एंड जस्ट जस्ट एस एन सिक्सन ठीक है तो अब क्या होगा नाउ क्वार्टर फाइनल स्टार्ट क्वार्टर फाइनल में अगेन इज द विनर यहाँ पे फोर जीत गया तो वन लीव्स यहाँ पे सिक्स जीत गया तो एट लीव्स यहाँ पे टेन जीत गया तो इलेवन लीव्स यहाँ पे सिक्सटीन जीत गया तो फिफ्टीन लीव लीव्स टेन और सिक्सटीन का एक मैच होगा टेन जीत गया तो सॉरी सिक्सटीन जीत गया तो टेन uh, लीव्स तो 10 so अब क्या होगा फाइनल मैच होगा फोर और सिक्सटीन के बीच में इन दोनों में से जैसे फ्रांस और अर्जेंटीना का था राइट right? इन दोनों में से जो जीतता है उसे मिलता है वर्ल्ड कप या ऑल्दो दिस इज आईसीसी वर्ल्ड कप नॉट फीफा वर्ल्ड कप बट ठीक है आई होप गेटिंग दिस ठीक है सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नाउ कैन वी लुक एट नंबर ऑफ जाते हैं सुपर एट नॉकआउट स्टेजेस में जब आ जाते हैं uh, है, तब क्या बचते हैं सेवन मैचेस प्ले करते हैं और यहाँ पे इन्होंने कितने मैचेस खेले थे पे 24 matches, six into four. टोटल नंबर ऑफ मैचेस नाउ इफ इट इज ग्रुप या राउंड रॉबिन प्लस नॉकआउट तो क्या हो गया ट्वेंटी फोर इन द्रुप स्टेट सेवन थर्टी वन मैचेस में टूर्नामेंट खत्म हो जाता है राइट सो दैट इज द रीजन वाई वेन द बिग टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप और समथिंग तो नंबर ऑफ मैचेस को लिमिट करने के लिए यह करते हैं बट क्लब में वेन दे प्ले फॉर क्लब दे कैन प्ले यर राउंड है ना यर राउंड खेल सकते हैं सो दिस इज द डील ओके

टूर्नामेंट वॉज कंडक्टेड टीम प्लेड अदर टीम किस टाइप का गेम हो गया क्विकली बताओ टीम प्लेड अदर टीम राउंड में नंबर ऑफ मैचेस हम निकाल सकते हैं इजिली थिंकिंग टू मच अबाउट इट चल आगे थ्री पॉइंट ड्रॉ गेट्स वन पॉइंट लॉस गेट्स जीरो पॉइंट स्टैंडर्ड रूल्स अगर विन है तो थ्री ड्रॉ है तो वन लॉस है तो जीरो पॉइंट फॉलोइंग इज द फाइनल लीग टेबल इन ऑर्डर विद सम डेटा मिसिंग तो यह क्या है एल आर बेस्ड डी आई है डेटा है बट डेटा में कुछ मिसिंग है ढूंढना है तो इफ वी आंसर दिस देन वी विल बी एबल टू इफ यू फिगर आउट ऑल द मिसिंग पीसेस ऑफ दिस पजल देन वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन राइट तो इस सेट में चार क्वेश्चन है फोर टीटा क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अरेजमेंट ऑफ दइडिया क्या है अभी बैठते हैं टेबल अरेंज करते हैं ठीक है सो क्योंकि ये राउंड रॉबिन है नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे देर आर फाइव टीम्स सो फाइव सी टू दैट इज अ टोटल ऑफ टेन मैचेस टेन मैचेस का टोटल है बट अगर हम पर टीम का देखें पर टीम का कितना होगा जैसे टीम वन है फॉर एग्जांपल टीम वन कितने मैचेस खेलेंगे चार मैचेस खेलेंगे टू थ्री फोर एंड फाइव के साथ या सो ईच टीम प्ले हाउ मेनी फोर मैच हर टीम को चार मैच का मौका दिया जाएगा नोबडी प्लेस विदर टीम एक ही बार खेलते तो ये हो गया यहाँ पे सो नाउ वी है पॉइंट टेबल मतलब पॉइंट का जो कैलकुलेशन है वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस है हमारे पास एंड ईच टीम के कितने मैचेस होने चाहिए वो है हमारे पास इसको लेके चलते आगे यस yes, लेट्स मेक अ नोट ऑफ दिस कि यहाँ पे थ्री पॉइंट्स है यहाँ पे वन पॉइंट है यहाँ पे जीरो है टोटल नंबर ऑफ मैचेस शुड बी फोर फॉर ईच टीम ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस शुड बी फोर फॉर ईच टीम मिसिंग डेटा है यहाँ पे उसे फिल करना है वट एवर पीसेस ऑफ दिस इज मिसिंग उसे हमें फिल करना है सो दैट वी कैन आंसर लेट्स लुक एट टीम ए क्योंकि हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस शुड बी फोर दो जीत गया दो हार गया मतलब लॉस होगा सॉरी दो जीत गया दो ड्रॉ हो गया तो कोई लॉस हो सकता है नहीं टोटल चार मैचेस है उसमें से दो वो जीत गया दो ड्रॉ हो गए सो नंबर ऑफ लॉसेस विल बी जीरो पे गोल डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि एज लॉन्ग एज यू नो सम अदर डेटा इज इन सम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते तो उसे जाने देते नेक्स्ट टीम ई की तरफ देखते ये फाइनल है दिस इज फाइनल मतलब क्या कौन टॉप पे है कौन सेकेंड पे रैंक के हिसाब से उन्होंने ही अरेंज करके हमें दे दिया ठीक है नेक्स्ट लेट्स लुक एट टीम ई ई के लिए कुछ निकाल सकते हैं यहां पे देखो प्लीज लुक एट दिस एंड थिंक टीम ए टीम ए के दो ड्रॉज हुए टीम ए के दो ड्रॉज हो गए टीम सी का सिर्फ एक ड्रॉ है टीम डी का सिर्फ एक ड्रॉ है सो so इसका क्या मतलब है वन केस कुड बी दैट ए और कुड बी नहीं is. ए और सी का ड्रॉ हो गया ए और डी का ड्रॉ हो गया यस yes, ई e क्या हो गया ई e का कोई ड्रॉ बचेगा थिंक ऑफ दिस ई के लिए क्या कोई ड्रॉ बचेगा नॉट रियली really. मैंने बोला था ना पैर में होना चाहिए मल्टी uh, जो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज है द टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज शुड ऑलवेज एंड एन इवन नंबर सो टू प्लस वन प्लस वन कितना हुआ फोर मैचेस इवन नंबर है या अगर मैं बोलू कि ई e का एक और ड्रॉ हुआ तो ये क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा दैट्स नॉट पॉसिबल अगर मैं बोलू कि ई e का दो ड्रॉ हो गए दो मैचेस ड्रॉ हो गए बट किसके साथ हुए यस yes. हमने बोल दिया कि कि ए के दो ड्रॉ हुए और और हमें पता है 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 उनमें से एक C है और एक सी डी क्योंकि इनका सिर्फ एक एक ही ड्रॉ हुआ है सो इट इज क्लियर दैट ई का कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हो सकता यस बट देर इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस देर इज एन ऑल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस कि अगर मैं बोलू इफ आई टेल यू डी के दो ड्रॉ हुए हैं सो वन ऑफ द वे वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कुछ सो हमने जो पहले देखा फर्स्ट दैट वी सॉ जीरो होता सो हियर वी आर एंडिंग ऑफ हैविंग पॉसिबिलिटीज ठीक है अगर ये ब्लैक नहीं यूज करते अगर ये जीरो होता इफ दिस वॉज जीरोन वॉट वुड हैपन पॉसिबिलिटी वुड बी के ए वर्सेस सी का ड्रॉ हुआ एक मैच और दूसरा मैच था ए वर्सेस डी के साथ सी और डी का एक एक ड्रॉ ए के दो ड्रॉस यस बट अगर ये जीरो ना होके इफ दिस वाज नॉट जीरो लेट्स से दिस वाज क्योंकि इवन होना चाहिए ना दिस शुड बी इवन सो टू प्लस टू प्लस टू सिक्स सिक्स टोटल ड्रॉस हो जाते तो इसमें अब क्या पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी टू वुड बी वॉट पॉसिबिलिटी टू कुड बी के इनमें कॉम्बिनेशन हो गया अब या सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज एन एग्जाम्पल वन ड्रॉ कुड बी बिटवीन सी वर्सेस डी यस एक ड्रॉ होगा सी वर्सेस डी दूसरा होगा ए वर्सेस ई बट अब क्या यहाँ पे वापस अटक गए राइट हियर वी आर अगेंस्ट सो वॉट वुड बी द पॉसिबिलिटी ए वर्सेस ई का एक ड्रॉ हुआ सी वर्सेज डी का नहीं इनका दूसरे लोगों के साथ हुआ यस सो वॉट वुड हैपन वी वुड एंड अपटिंग ए वर्सेस सी का एक ड्रॉ तो ए के एक एक, एक ड्रॉ हो गया नेक्स्ट ए वर्सेस डी का एक ड्रॉ तो ए के दो ड्रॉ ए के जो दो ड्रॉ है वो तो हो गया बट अब सी और डी के कितने हैं दो दो हो रहे हैं यस सो आई होप यू आर गेटिंग दिस द नंबर ऑफ ड्रॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वो हमेशा पेयर में ही होते हैं यस yes? सो so क्या ये पॉसिबल है इज इट पॉसिबल कि ये जीरो के अलावा कोई और वैल्यू हो सकता है नॉट रियली यस सो विद दिस वॉट हैपन नंबर ऑफ ड्रॉज दैट ई गेट्स हैस टू बी जीरो और ये हट गया ये सॉरी ये जो पॉसिबिलिटी है वन सेकेंड तो ये जो पॉसिबिलिटी थी ये पूरी हट गई दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज वॉट सी और डी के एक एक ड्रॉ ए के दो ड्रॉज एंड ई के लिए जीरो ही बचेगा नो अदर ऑप्शन यस तो ड्रॉज का पूरा हो गया चेक आउट द नंबर ऑफ मैचेस आल्सो देर टोटल नंबर ऑफ मैच टू प्लस वन प्लस वन फोर मैच यस हमें पता है टोटल कितने मैचेस होंगे इसमें हाउ मेनी मैचेस वुड वी एंड ऑफ सींगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी टेन तो बाकी कितने सिक्स मैचेस बचते हैं ये भी ध्यान में रखना रिमेनिंग सिक्स मैचेस अगर रिमेनिंग सिक्स मैचेस रिमेनिंग आउट ऑफ फोर मैचेस दो जीत गए जीरो ड्रॉ तो बाकी के दो लॉस होंगे करेक्ट वट वुड बी द्वारी सिक्स टू इंटू जीरो जीरो सो दिस टू बी सिक्स गोल्ड डिफरेंस उन्होंने दे दिया चलेगा कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते बी की तरफ अब बी की तरफ क्या है टू विंस टू इंटू थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स ही पॉइंट है मतलब दिस हैज टू बी लॉसेस इधर विच वे टोटल चार गेम्स है टोटल चार गेम्स है दो अगर जीत गए और जीरो अगर ड्रॉ है तो इट इज क्लियर दैट टू हैज टू बी द नंबर ऑफ लॉसेस या सो वी डू वी सी अ ड्रॉ हियर ई और बी के बीच में ड्रॉ है देखो सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट कीप दैट इन माइंड ठीक है टाई है चलो अब सी की तरफ बढ़ते हैं वॉट इज हैपनिंग हैपनिंग सी एंड इज डी नाउ क्विकली थिंक अबाउट दिस एक एक ड्रॉ है वन वन ड्रॉ सो एक एक पॉइंट आया होगा फ्रॉम ड्रॉ करेक्ट चार में से सी की तरफ देख रहे है अब, चार में से आउट ऑफ फोर पॉइंट्स एक पॉइंट उनको उस एक ड्रॉ से आया होगा है ना इस ड्रॉ से एक पॉइंट आया होगा तो जो बाकी के तीन पॉइंट हैं वो किधर से आए लॉस हो सकता है क्या इनका नहीं आर यू गेटिंग दिस इसमें थ्री पॉइंट जो आया है वो किसके कारण आया बिकॉज दे वन वन मैच सो सी का एक मैच जीता है उसका ये थ्री पॉइंट्स का अकाउंट हो गया अब चार में से दो मैच अगर सी ने एक मैच अगर सी ने जीता और एक ड्रॉ तो दो हो गए बाकी दो लॉस होंगे आई होप यू आर गेटिंग दिस यस ये सारा समझ में ये नेक्स्ट सिमिलर विद डी क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट सेम है नंबर ऑफ पॉइंट सेम है सो द ओनली पॉसिबिलिटी विल बी दिस या एंड फॉर द मिसिंग पीसेस नाउ मिसिंग पीसेस जो कि ये है गोल्ड uh, डिफरेंस इसका गोल्ड डिफरेंस मैटर करेगा क्योंकि ये एट है या सिक्स है इनमें तो ड्रॉ ही नहीं है तो ये मैटर नहीं करेगा कुड बी एनी नंबर यस कुड बी एनी नंबर मैटर कोई भी नंबर हो सकता है मैटर नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट ज्यादा है ठीक है मूविंग ऑन ई की तरफ देखो ये थ्री है और ये इससे नीचे है और यहां पे हमें सिर्फ गोल्ड डिफरेंस के बारे में बोला गया है नो अदर थर्ड नो अदर थर्ड केस ऑफ विन और लूज मतलब क्या बोला है उन्होंने बोला है कि पॉइंट्स उसके बाद गोल्ड डिफरेंस थर्ड का कुछ नहीं बोला सो व्हाट विल हैपन नाउ अगर पॉइंट सेम है अगर पॉइंट सेम है तो इट हैज टू बी क्लियर दैट द नंबर ऑफ द गोल्ड डिफरेंस वैल्यू शुड बी लेस देन थ्री फॉर दिस डू यू अग्री क्योंकि अगर ये थ्री पे है और E थ्री पे है और B E के नीचे है तो ये वैल्यू थ्री से कम ही होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता थ्री टू वन जीरो नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बट दैट्स इट ठीक है नेक्स्ट सेम थिंग विध सी डी सी डी का क्या क्या हो रहा है? है, है. है, ये 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 भी भी पे पे अगर तो होना होना चाहिए? चाहिए. से कम आई होप यू आर एबल टू गेट दिस कर दिया है ये फिल ओवरऑल टेबल हमने ये बोला है कि ये एनी है कोई भी हो सकता है ये लेस देन थ्री होगा ये लेस देन फोर होगा यस yes. अब एस एन एग्जाम्पल टू कीप अस यू नो थिंकिंग ऑन आर फीट ऐसे मैंने वैल्यूज डाल दिए उसका लेस देन थ्री और लेस देन फोर का ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही है बट चलो आगे बढ़ते हैं सो नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन लेट्स क्विकली आंसर द हाउ मेनी गेम्स हैज टीम ई लॉस्ट तो टीम ई का लॉस कितना हुआ कितने गेम्स में लूज हुआ टीम ई लॉस हैज टू बी टू सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉट टू डन नेक्स्ट What is the इज द मैक्सिमम team डिफरेंस टीम बी कैन हमने क्या देखा था टीम बी का टीम बी का जो है का जो है शुड बी लेस देन थ्री करेक्ट ये देखो टीम बी का गोल डिफरेंस शुड बी लेस देन थ्री सो लेस देन थ्री गोल डिफरेंस हैज टू बी इंटीजर क्योंकि नंबर ऑफ गोल्स डेमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते नंबर ऑफ गोल्स है छोटा इंटीजियर क्या है टू दिस बी आर आंसर दिस इज द मैक्सिमम गोल्ड बी कैन है टू वन जीरो और एनीथिंग इन नेगेटिव इसमें से सबसे मैक्सिमम क्या है टू सो दिस इज आर आंसर ठीक है मूविंग ऑन हाउ मेनी मैचेस है ड्रॉ कितने टोटल मैचेस ड्रॉ हुए हैं वो हमने पहले भी देख लिया था बट ये रहा उ मेनी मैच आर ड्रॉ फोर मैचेस इज दिस ट्रू चार मैच ड्रॉ हुए हैं क्या नहीं कौन से सिर्फ दो ही मैच ड्रॉ हुए हैं लाइक आई सेड ए वर्सेस सी का एक मैच ए वर्सेज डी का एक मैच नॉर्मली so क्या होता है ये जब हम देखते हैं कि टू प्लस वन प्लस वन फोर हुआ तो चार मैच ड्रॉ है नहीं वो ट्रैप आंसर है प्लीज बी केयरफुल ठीक है चार नहीं होगा सिर्फ दो ही मैचेस हुए यस सो वेन एवर यू एड दिस

लेस than दे बोल रहे हैं इफ लेस देन फोर क्या होगा थ्री इंटीजर होना चाहिए टू वन जीरो में भी जा सकता है अब ये क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम गोल्ड डिफरेंस टीम डी कैन सो इसका आंसर होगा नॉट बी डिटर्मेंट और क्योंकि ये अगर टीटा क्वेश्चन है अगर ये टीटा क्वेश्चन है तो हमेशा हमें इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है क्वेश्चन में ही कि अगर डेटा कैन नॉट बी डिटर्मिंड है वैल्यू कैन नॉट बी डिटर्मिंड है देन टाइप कुछ वैल्यू जैसे जीरो yes, ऐसा कुछ वो दे देते हैं ऑन देयर बिहाफ ठीक है सो सिंस दिस इज कैन नॉट बी डिटर्मेंड क्योंकि गोल्ड डिफरेंस नेगेटिव में भी जा सकता है अल्टीमेटली लिविंग अस विद वॉट जीरो जीरो इज नॉट द आंसर जीरो आंसर नहीं है ऐसा नहीं है बट हमने बोला है क्वेश्चन में दिया कि अगर कैन नॉट बी डिटर्मिंड है तो टाइप जीरो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स स्टैंडर्ड हमने गेम फॉर्मेट्स देख लिए वी हैव सीन एन एग्जांपल क्वेश्चन आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट यू गाइस टू सॉल्व द डी पी पीस ये दिस विल अ बेटर आइडिया अबाउट नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मैट्स ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स तो ठीक है बट जैसे किसी गेम में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है पूरा रूल्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स रैंडम गेम्स हो सकते हैं कुड बी गेम्स ऑन कार्ड्स कुड बी एनी स्पोर्ट्स कुड बी एनीथिंग इन रैंडम फ्लिपिंग अकॉइंट जो भी वॉट तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या है बिफोर गोइंग इन सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स डीपीपी आई वॉन्ट ऑल टू हैव अ लुक एट टॉपिक्स लाइक टॉपिक्स फ्रॉम मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम फर्स्ट मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम के टॉपिक्स पहले देखना फ्रॉम क्वांट एंड देन सॉल्व द डीपीपी क्योंकि आपका मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के हाई चांसेस है टू बी यू नो टेस्टेड एंड वी विल ऑल्सो एंड ऑफ सींग नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट डिजिबिलिटी रूल्स एंड ऑल दैट राइट सो वो पहले करना और फिर इसके डी पी पी करना आई होप द एग्जाम्पल्स एंड दिन दैट डिस्कस्ड वॉज हेल्पफुल फॉर यू Uh, all the very best guys. Cheers.